नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में स्थिर अनुपात के नियम पर चर्चा होगी, जो कक्षा 9 और 11 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, स्थिर अनुपात का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्राउस्ट ने किया था। इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इस नियम का दूसरा नाम क्या है? निश्चित अनुपात का नियम। तो देखिए, नियम क्या है? कोई भी रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा किसी भी स्रोत से लिया गया हो, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो अथवा किसी भी स्रोत से लिया गया हो, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान, उस यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, यानी उनका जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है। अब देखिए उदाहरण, जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 2:16 = 1:8 होगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा? 1:8 होगा। जल चाहे किसी भी प्राकृतिक स्रोत अथवा प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया, जैसे नदी, नाले अथवा समुद्र से प्राप्त किया गया अथवा प्रयोगशाला में वह बनाया गया हो। दूसरा उदाहरण देखिए, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 होगा। अमोनिया चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई हो, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:30 होगा, तीन होगा। अमोनिया चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त की गई हो, चाहे प्राकृतिक रूप से प्राप्त की गई हो अथवा प्रयोगशाला में बनाई गई हो, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? 14:3 होगा। नमस्कार।